और आप ही करेंगे सचमुच, तो ही आप सचमुच मेलघाट के एक ही शेर है और वो रहेगा आप, अदरवाइज मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि आज हमारे बच्चे जो है इनको सही न्याय मिलना चाहिए और मैं हमारे साथ में अन्याय हुआ और होते हुए आ रहा है। हमने आशा ये रखा था कि कम से कम ये जो 2023 का DR है उस मुताबिक हमारे बच्चों को कहीं ना कहीं संधि मिलेगा, ऐसा हमें लग रहा था। क्योंकि आज हर गांव में आप जाइए, हर गांव में आपको 10 से 15 DED और BED के बच्चे मिलेंगे और वो बच्चे आज गली गली भटक रहे हैं। और आज हमारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मैडम ने आज जो नियुक्तियाँ दी है वो एकदम अन्यायकारक है हमारे लिए, हमारे साथ सचमुच अन्याय हुआ है, क्योंकि उन्होंने स्थानीय उम्मीदवारों का कहीं विचार किया नहीं। उन्होंने केवल बाहर के जो 67 विद्यार्थी है उम्मीदवार हैं उनका ही उन्हें ही नियुक्ति पत्र दिया है। और हमारे यहाँ पर जो भी मेलघाट में जितने भी समुदाय के लोग हैं, हमारी यही इच्छा है कि 2023 के मुताबिक उनको भी हक मिलना चाहिए और हमारे बच्चे को जो आज DED BED है जितने भी 1700 वर्ग में है उनको भी न्याय मिलना चाहिए। लेकिन वो कहीं तो भी वो कोर्ट में चले गया, खैर जाने दो। लेकिन आज जो कंत्राटी जो है, कंत्राटी तत्वों पर निदान हमारे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए और उनको आदेश मिलना चाहिए, और जो आदेश मैडम ने दिया है उस आदेश को रद्द होनी चाहिए। यह आपसे हमारी गुजारिश है, आप सांसद अपने विधानमंडल में जा कर के ये कार्य को करेंगे, ऐसा हमें पूरा पूरा उम्मीद है। इन बच्चों को आपसे गुजारिश करूंगा, आप उन्हें न्याय दिलाएंगे। इतना कहकर मैं अपना छंद शब्द को यहीं विराम देता हूँ। जय आदिवासी, जय मेलघाट।